सभी सवालों का खुद जवाब देने के लिए आपको सीधे इस वक्त लिए चलता हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनकी जो पार्टी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है कि सहारनपुर और कुछ और जो जिले हैं उसमें उनका अच्छा खासा प्रभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल तक जो बात बिल्कुल पक्की लग रही थी, आपने भी कहा कि बस साथ में अब अनाउंसमेंट ही समझ लीजिए बाकी रह गया है, उसमें ऐसी क्या खटास आ गई कि आपकी जो पूरा कोएलिशन था वो बन नहीं पाया? देखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि अनाउंसमेंट होना बाकी रह रहा है। मैंने पिछले 2 महीने से हमारी बात चल रही, बात तो 6 महीने से चल रही है, और कल मैं उनके लिए बुलावे पे गया था। मैंने बात की, तमाम तरह की चर्चा हुई। गठबंधन सिर्फ सीटों का नहीं होता है, गठबंधन होता है विश्वास का। गठबंधन होता है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसका, कि भविष्य में अगर हम आपको वोट देके ताकतवर बना रहे हैं तो फिर इसका खामियाजा कल अगर हमें अपने अधिकारों की बात करनी होगी तो हम किससे करेंगे। तो मैं पिछले 5 साल में समाजवादी सरकार रही है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप थे 12 से लेकर 17 तक कि भाई उनके सरकार में प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल आया था वो उनके एमपी ने फाड़ दिया था। फिर उन्होंने डिमोशन किया शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारियों के। 5 साल बीजेपी के 12 से 17 से 22 और 12 से 17 शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारी पीड़ित हैं, सताए गए हैं, उनको परेशान किया गया, चार्ज नहीं दिया गया, तमाम तरह की मुसीबतें उन्होंने झेली है, पिटाई हुई है, उसके बाद भी मुकदमे दर्ज नहीं हुए, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हुई। तो मैंने अपनी बात रखी। अपेक्षित जो मुझे उम्मीद थी कि वो दलित समाज के लोग प्रतिनिधि देंगे, उस पर बात नहीं बनी। वो उनको लगता है कि अखिलेश जी की ऐसी इच्छा है कि बिना दलितों के उनकी सरकार बन सकती है, फिर क्या दिक्कत है, उनके लिए मंगल कामना है। नहीं तो इतनी सारी आपने बिनवाई की, उनके जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें इतनी परेशानियां थी, उसके बाद भी आप ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने को तैयार थे। राजनीतिक मजबूरी, लोग कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद भी अपनी राजनीतिक मजबूरी को टटोल रहे थे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये विश्वास था कि पूर्व की जो सपा है और अब की सपा में परिवर्तन है। अब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास था कि सामाजिक विश्वास तो करना पड़ेगा ना। विश्वास तो देश की जनता ने मोदी जी पे भी किया, लेकिन परिणाम तो भयानक हुए, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास की सत्यता क्या है वो जानने के लिए 2 महीने से चर्चा चल रही थी, मैं गया भी, तो मैंने अपनी बात रखी। और मैं समझता हूँ कि उनको लगता है कि अभी दलित वर्ग के लोगों का जो राजनीतिक वजन है वो हल्का है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई 1 आधी सीट लेनी है, जो उन्होंने खुद अपने आप बताया कि भाई 1-2 सीट मैंने कहा था कि मिनिस्टर बन जाओ, ये सब चीजें वो मैंने मना कर दी। मेरी लड़ाई मिनिस्टर बनने की है ही नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि जब बातचीत पूरी कम से कम तय हो गई थी, उसके बाद आपके पास एक फोन आया, और वो फोन आने के बाद आपने कहा जी मुझे नहीं करना गठबंधन। अब तो किसका फोन आया था सर, क्या आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो उनको बड़ा भाई कहा, और उनको मैंने अगवा कहा इस आंदोलन का। जो 85% बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैंने कहा कि ये अच्छा हो गया है। जो मैंने काशी राम साहब ने बहुत दिन पहले किया था, मैंने उसको आगे बढ़ाया। तब उन्होंने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मैंने उसी कड़ी को आगे बढ़ाया। मैंने उनसे यही कहा कि मैं पूरे प्रदेश में जाके बीजेपी के प्रत्याशियों को रोकने का, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम हम लोग करेंगे, उनको रोकने का हम लोग करेंगे। मेरा वादा आपसे कि आप, मगर आप भी ये विश्वास दिलाइए कि जो पसमानदा, दलित, आदिवासी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके और जो महिलाएं हैं उनके सम्मान और सुरक्षा, उनके अधिकारों पे जिस तरह से पहले हुआ वो, तो वो लोग परेशान हैं कि वोट तो दें, लेकिन कल अगर हमारे साथ जैसा बीजेपी ने किया अगर ये सरकार भी करने लगी तो फिर क्या होगा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आपको बात करनी चाहिए। तो 2 महीने से लगातार बात चल रही थी। एक बार भैया पहले कहते थे कि भाई अकेले लड़ लो जाके, तो हम अपने दम से अकेले लड़ जाते, कोई जिता थोड़ा ही देगा किसी को, जनता जिताएगी, जनता हराएगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आपने उनको कहा कि 1-2 सीट जो आपको मिलने वाली है, अगर वो सीट सिर्फ आप ही चुनाव लड़ लेंगे तो इसका आपकी पार्टी में गलत मैसेज जाएगा, आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 चीजें बिल्कुल वो उन्होंने सही कहा, इसमें कोई झूठ नहीं। उन्होंने मुझसे कहा विधायक और बन जाइए, फिर हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अकेला व्यक्ति थोड़ा, एक यूनिट है पूरी, मैं उन सबकी तरफ से, दलितों की तरफ से, वंचितों की तरफ से, पसमानदा की तरफ से, आपके दस्तकार जो कमजोर वर्ग के लोग उनकी तरफ से आपके पास आया हूँ अपनी बात लेके। तो मेरे विधायक बनने से, मेरे एमपी मिनिस्टर बनने से परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप उनका विश्वास जीतते कि आप उनको भागीदार देते हैं तो इससे परिवर्तन होगा। तो मैंने बात कही और अखिलेश जी सही कह रहे हैं, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं त्यागी जी, वो सही कह रहे हैं कि मैंने उनको फिर मना किया कि नहीं, अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा विधायक बनने के, मिनिस्टर बनने के, तो उससे जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहा है, भाई नेता का बेटा ही नेता बनेगा या जो नेता वही आगे बढ़ेगा, तो इससे जो उनपे क्या प्रभाव जाएगा, तो मैं तो नहीं लड़ना चाहता। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं तो एक और बात मैंने कही जो अखिलेश जी ने चर्चा नहीं की है, आप पूछेगा, मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि कहीं लड़ने की इच्छा है, तो मैंने कहा कि हाँ मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर आप लड़ाना चाहे तो जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे। आप पूछ लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं झूठ बोलता हूँ। तो अभी भी आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ने में इच्छा है आपकी अभी भी? मैंने क्या कहा, मैंने कहा उनसे कि अगर आप, आपने पूछा कि कहाँ लड़ना चाहते हो, तो मैंने कहा कि अगर आप लड़ाना चाहते हो तो बीजेपी के जो सबसे ताकतवर प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़ाइए, मैं लड़ूंगा। आप पूछ लेगा, मैं नहीं बोलता हूँ झूठ। तो अगर मैंने कहा ना कि उनके लिए मंगल कामना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो जब वो पहले उन्होंने जो तय किया था, जब वो उस बात से पीछे हट गए, तो मैं समझता हूं कि तो कितनी सीट पहले तय करी थी? क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ बात ये नहीं है कि आप खुद एमएलए बन जाएं या मंत्री बन जाएं, तो कितने आपकी पार्टी के लोग आप एमएलए और मंत्री बनाना चाहते थे जो जिसको अखिलेश यादव नहीं मान रहे? देखिए, आप सामाजिक न्याय समझते हैं, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और फिर सबसे बड़ा विश्वास, जैसे प्रधानमंत्री का 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, 15 लाख देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन अंत नहीं हुआ, कोई पूछने वाला तो नहीं है आफ्टर इलेक्शन। चलो मैं एक और आपको ना जिम्मेदारी की बात बताता हूँ। एक साथी है, मेरे बड़े भाई है अखिलेश जी गठबंधन में, ओम प्रकाश राजभर जी, आज खूब बोले भी, मैंने उनसे कहा क्यों बड़े भाई है, कुछ भी बोल देंगे उनको, तो अखिलेश ने कहा होगा कि यार तुम बोलो, हम तो नहीं बोल पा रहे इसके खिलाफ, तो वो बेचारे बोल दिए। मगर आप ये बताइए कि वो मंत्री भी थे और विधायक भी थे उनके पार्टी के, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया बीजेपी से? जब मैं अपने लोगों के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, जब अधिकारी, जब मेरे लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा, दलितों पे, मुसलमानों पे, और मैं उनको न्याय नहीं दिला पाऊंगा, तो मैं सरकार में करूंगा क्या? जब अभी ये हाल है, तो कल अगर हम वोट देकर सरकार बना भी दे तो फिर क्या होता? तो मैंने उनसे कहा भैया मैं अपने दम पे लड़ूंगा। अगर ये बात आप 2 महीने पहले मुझे कह देते कि आपने बराबर हिस्सेदारी की बात की थी और आज आप मुझसे कह रहे हैं आप विधायक मिनिस्टर बन जाए, तो फिर मैं तो 2 महीने पहले अपनी तैयारी कर लेता, मैं तो आपके विश्वास में रह गया। अगर आप इसको राजनीति कहते हैं त्यागी जी, एक सेकंड जी, अगर आप इसको राजनीति कहते हैं कि भाई हमने उसका बेवकूफ बना दिया, इतने दिन साथ में लगा के उसको हमने जो है ना, और इस तरह का ऑफर दिया कि वो छोड़ के चला जाएगा स्वाभिमानी आदमी, तो अगर आप इसको राजनीति कहते हैं तो मैं इसको कहता हूँ कि आपने मुझे नहीं धोखा दिया भैया, आपने अपने आप को धोखा दिया। बीजेपी को रोकने के लिए हम अभी चुनाव लड़ेंगे, अगर हमारे एमएलए को जरूरत पड़ी जो हम जीत के आएंगे तो मैं दूंगा, चाहे बहन जी को जरूरत पड़े चाहे अखिलेश जी को, मैं बीजेपी को समर्थन नहीं करूंगा। आपने पहले भी ये बात कही थी शुरुआत में, जब आपसे कई बार ये बात पूछी गई, सार्वजनिक स्तर पर भी आपने ये बात कही कि आप आइडियली चाहते हैं कि बीएसपी के साथ आपका गठबंधन हो जाए, वहां पर मायावती तैयार नहीं है, अब अखिलेश यादव भी तैयार नहीं है, तो क्यों ऐसा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उससे कोई भी अब गठबंधन कहीं बनता नजर नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने क्या कहा, हमने गठबंधन बनाने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को अवसर ना मिले कहीं से भी, कि मैं जरा सा भी, जिसने मुझे 16 महीने जेल में रखा जिस सरकार ने, जिसने मेरे पे 100 मुकदमे लगाए, जिसने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया, जिसने अरुण वाल्मीकि के साथ अन्याय किया, जिसने प्रयागराज में 4 दलितों के घर जलाए, जिसने सीएनपी और एनआरसी के आंदोलन 20 दिसंबर को 20 मुसलमानों की हत्या कर दी, उस सरकार को कहीं से भी मौका ना मिले सत्ता में आने का। तो ये मेरा प्रयास कि हम बहुजन समाज एकजुट हो जाए, दलित, पिछड़े, वंचित और माइनॉरिटी के लोग वो सब इकट्ठे हो जाए। और आप ये बता दीजिए उनके गठबंधन में क्या कोई एक दलित पार्टी है? आप बताइए, नहीं है। तो मैं फिर यही सोच रहा हूँ, आप दूसरों पर तो टिप्पणी करते हैं कि वो उस पार्टी में स्टूल वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले, तो आप तो बड़े भाई है, आपको तो सोचना चाहिए था कि दलितों की 22.5% आबादी है और ये स्वाभिमानी व्यक्ति जिसने बीजेपी जैसी सरकार के सामने घुटने टेके, उसको मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मेरी तो मंगल कामना है। खूब मजबूत चंद्रशेखर जी, लोग ये भी फिर कुछ ना कुछ कहेंगे कि आप क्योंकि गठबंधन के लिए इतने आतुर थे, कहीं ना कहीं आपको अपनी अकेले लड़ने की ताकत पर पूरा भरोसा नहीं है, इस वजह से आप चाह रहे थे कि साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी जा सके। तो अभी अखिलेश जी और ये तमाम लोग सब लोग इकट्ठा हुए और पिछली बार बीजेपी ने इतना बड़ा अलायंस बनाया था, तो क्या उनको भरोसा नहीं था? आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। मैं तो कोई ट्रैक नहीं पकड़ रहा, मैं तो सिर्फ आपसे हर तरह के सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके जवाब जनता खुद देगी, खुद समझेगी। मेरे लिए कोई ट्रैक पकड़ने की आवश्यक ही नहीं है। चुनाव, हाँ नहीं, चुनावी गठबंधन क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें घोटाला हुआ, बच्चे 1 साल हड़ताल पे रहे, आंदोलन में रहे। बयान देखिए, विधानसभा में कह दिया शिक्षा मंत्री जी कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर 6800 सीटों की लिस्ट कहां से जारी हुई? अगर आपने घोटाला नहीं किया, मंत्री अगर न्यायप्रिय होते ना तो वो करते क्या? वो करते उन पे भतीश द्विवेदी पे FIR, जेल भेजते उनको कि भाई इस आदमी ने घोटाला किया। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे अजय टेनी मिश्रा जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे सतीश द्विवेदी जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, चंद्रशेखर मंत्री बने ना बने, इसलिए मैं वहां गया। लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि जैसे देखिए ना, मैंने आपको बुलाया, जैसे आप भी कर्मचारी, मैंने बुलाया आपको और आपसे तय किया कि भाई आप ये काम करो, और बाद में मैंने आपको कहा कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, आपको फर्क पड़ता ना। मैं जो वादा करके संगठन के लोगों को जो चीजें बता के गया, वो फोन किसका था पता है? जानना चाहते हैं वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोर कमेटी का फोन था। मैंने उनको ये बताया, क्योंकि हम लोकतंत्र मानते हैं, कि अध्यक्ष जी आप हमारा संगठन है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी हमारी विंग है। मैंने बताया अध्यक्ष जी ये पिछली बार ये तय हुआ था और मैं इसके साथ यहाँ आया था। सर कितना तय हुआ था पिछली बार और अब कितना दे रहे थे? मैं क्या कह रहा, छोड़ दीजिए ना अखिलेश जी, बता दीजिए कितना दे रहे थे। अरे बता दीजिए, ये तो आप तो उन्होंने तो बताया वो कितना दे रहे थे, आप बता दीजिए पहले कितना तय किया था। हम क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ना, फोन किसका था जिसने साजिश की? देखो, दलितों के स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ, मंत्री पद को ठोकर मानता हूँ, विधायक को ठोकर मानता हूँ। मैं काशी राम साहब को आदर्श मानता हूं, उन्होंने राष्ट्रपति पद को ठोकर मारी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद को ठोकर मारी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच ये है कि भीम आर्मी की जो कोर टीम है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो बहुत दिन पहले कर रहे थे, मैंने अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया, मैं माफी चाहता हूं उनसे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने दम पे, हम अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, और मैंने समझा कि समय की नजाकत एक गठबंधन हो। तो आज हम दिखाएंगे हमें कितनी क्षमता। मैं बोलूंगा नहीं अंकित जी, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं जैसे सचिन तेंदुलकर थे ना, मैं उनको बहुत क्रिकेट देखता हूं, उन्होंने कहा बल्ले से जवाब दूंगा। नहीं तो कांग्रेस से क्या गठबंधन की कोई उम्मीद बची है अभी? क्योंकि विपक्ष की पार्टियों में अब कांग्रेस पार्टी, एक बार प्रियंका गांधी आपसे अस्पताल में मिलने आई थी, बड़ी चर्चा हो गई थी कि देखिए रावण से मिलने अस्पताल पहुंची है, तो वहां कुछ उम्मीद बची? क्योंकि अभी आपने, मैंने सुन रहा था आपका एक बयान, आपने कहा था कि हम अभी भी विकल्प तलाश रहे। देखिये अभी आपने पूछा था ना कि फोन किससे आया था, अखिलेश जी ने भी कहा फोन किससे आया था। फोन जिसका आया था ना, तो वो मैं लोकतंत्र को मानता हूँ, वरना डिसीजन वही लेता। मुझे अवसर मिल रहा था, 2 साल की पार्टी हमारी, हमारा मंत्री बनता, सरकार बनती, तो मैं विधायक बनता, और देख दो विधायक बन जाते, और देखो और बड़े बड़े बयान देके हम तो MLC बना रहे थे, ये भी कर रहे थे। तो अभी तो इनके बयानों में समानता नहीं है। तो मैं समझता हूँ मुझे जो भी करना होगा ना, तो वो कोर कमेटी से पूछ के उनके निर्णय के साथ जाऊंगा। मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए आदरणीय है। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद अभी खुली है, चांसेस खुले हैं? हाँ खुले, अभी प्रयास जारी है, और जैसा कोर कमेटी का आदेश होगा चंद्रशेखर उसको मानेंगे। मैं तो उन्हीं के आदेश को लेके गया, मैं तो 6 महीने से मेरी अखिलेश जी से बात चल रही है, और मेरी तो मंगल कामना है उनके लिए, खूब तरक्की करें, बिना दलितों के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो खूब आगे बढ़े। मुझे विश्वास है अगर वो जो अच्छा लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कांग्रेस से विकल्प अभी खुला हुआ है, वहां आपकी बातचीत जारी है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को चुनाव के बाद अगर आपकी कुछ सीटें आती हैं उसकी आवश्यकता पड़े, तो क्या आप पोस्ट पोल अलायंस के लिए अभी भी आपके दरवाजे खुले होंगे अखिलेश यादव के लिए? 2 बात, पहली बात तो अपने आपने अपनी तरफ से कहा कि कांग्रेस से गठबंधन की बात जा रही है, ये कोई बात नहीं हुई है। आपने अपनी तरफ से कहा, आपने कही, मैंने आपसे पूछा क्या कांग्रेस का विकल्प खुला है, आपने कहा खुला हुआ है। मैंने क्या कहा? मैंने कांग्रेस का नहीं कहा, मैंने कहा जो हमने प्रयास किया था, जो भी विपक्षी पार्टियां वो सब लोग एकजुट हो जाए, इसीलिए मैं उधर गया कि भाई सब मिलके सब वो करते हैं। हमारे तो 6 महीने से बात चल रही थी, बाकी लोग तो आ जाए बेचारे, उन सबका धन्यवाद, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि अगर गठबंधन में जितना भी डिस्प्यूट होगा उतना ही बीजेपी को बल मिलेगा। मैं अवसर नहीं देना चाहता हूँ, तो जो बाकी गठबंधन है उनसे बात करूँ, और भी पार्टियां है, बात करके हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक मजबूत विकल्प बने। हमने काम किया, हम जनता से अपने काम पे वोट मांगेंगे। ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं क्या आप? रही बात पोस्टपोल लाइन की, आफ्टर इलेक्शन अगर बीजेपी को रोकने के लिए मेरी सीटों की जरूरत पड़ी, चाहे बसपा को चाहे समाजवादी को, तो मैं उनको वोट करूंगा, ना कि अगर मुझे मुख्यमंत्री का अवसर मिला तो नहीं बनूंगा। ओवैसी के साथ जा सकते हैं क्या आप? ओवैसी जी के साथ जा सकते हैं क्या आप? आपकी आवाज कटी है, दोबारा बताएंगे? मैं कह रहा हूं ओवैसी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ भी क्या विकल्प खुला हुआ है? मैंने कहा कि सभी के लिए विकल्प खुला हुआ है और तय कोर कमेटी करेगी जिनको फोन किया था, जिनका फोन आया, ठीक है, जिनको बताया कि सर ये हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विकल्प खुले हुए हैं तो अभी भी उम्मीद पूरी बंधी हुई है और एक बड़ा व्यापक, जैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए खुद भी तैयार थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण। सुनिए आपने उनकी बात, वो किस तरीके से बता रहे थे उनके